अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पाँच ही आ रहे हैं। नहीं नहीं, पाँच नहीं, यहाँ से 15। आप कौन भैया? अरे यहाँ से ही तो गया। अरे नहीं यार, अंदर से ही तो गया। 15 मेरी गिनती होगी। एक, दो, तीन, प्रदीप चल तू इधर आगे। मीडिया को भी नहीं आने दिया सर। सर सर, अब तो हो गया ना हमारा, अब तो हो गया ना। अब हम यहाँ वापस चाय नाश्ता करने आइए कि नहीं, 150 लोग। बात यह है कि न्याय खराब होना चाहिए। अगर आए थे ना, मैंने कोई सारी नहीं, मैंने मेरी तो आपने मेरे से फोटो मांगा था क्या सर? आपने मेरे से बोला ना, मैंने आप मेरे फोटो दिखा ना, 5 से ज़्यादा होता वो नहीं है ना। फोटो निर्वाचन कार्य वाले जरा 2 मिनट साइड हो जाए, जरा 2 मिनट साइड। अरे 2 मिनट साइड हो जाए भाई, मुझे सब पता है। 2 मिनट साइड एक और रुपया नीचे 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 आपसे आपकी कुछ बहस हुई है, क्या विषय था? आपने नामांकन पत्र दाखिल किया है। देखिए, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में जितने भी अधिकारी होते हैं सब निर्वाचन के अधिकारी हो जाते हैं, इनको न्याय करना चाहिए। कल जब हमारे विपक्ष के साथी यहाँ पर नामांकन भरने आए भारतीय जनता पार्टी के भाजपा प्रत्याशी, तो 50 लोगों के साथ साथ सभी मीडिया कर्मियों को अंदर प्रवेश दिया गया। आज हम 5 लोगों को अंदर जाने दिया और साथ में मीडिया कर्मी के हमारे साथियों को भी रोका गया, जिसकी जो अनुचित है और ये इस तरीके का काम इन लोगों को नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया? सीएसपी ने क्या कहा? अब सीएसपी तो जवाब गोलमाल जवाब दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने सुधार किया नियम में, इस प्रकार की बात सुना जो भी है, लेकिन पक्षपात पात्र रवैया है। भैया, इस प्रकार का भेदभाव किया गया, इसके विषय में आप निर्वाचन आयोग को शिकायत करेंगे? देखिए, अब हम तो इस बात से ये एक शंका हुई हमको कि अब ये निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इसमें किसी प्रकार का भेदभाव हो। अब हमको और भी पैनी नज़र रखना पड़ेगी पूरे चुनाव कार्यक्रम में कि ये अगर इस प्रकार की हरकत करते हैं तो कहीं आगे जाके कोई किसी और कोई बड़ी घटना को अंजाम। भैया, आपका हर बार ये कहना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है। हाँ, जनता पे कितना भरोसा है? वो 3 दशक से जनता जिस प्रत्याशी के साथ थी, अब वो जनता आपकी तरफ कैसे रुख करेगी? कितना भरोसा है जनता? देखिए, जनता पर पूर्ण रूप से भरोसा है और देवास की जनता चुनाव जीत चुकी है। और चुनाव, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लीड भी 20 से 30 हज़ार के ऊपर की लीड से यहाँ पर देवास की जनता निष्क्रियता पे जीतेगी। भैया, एक चीज और है कि आज जो यहाँ पर रोका गया, क्या आप इस बात को मानते हैं कि सत्ताधारियों के दबाव में काम? सत्ताधारियों के दबाव में काम, बिल्कुल सत्ताधारियों के दबाव में। आपका सामना गायत्री राजे पवार से है, जो रांची परिवार से है,
काफी लंबे समय से उनका जो है राजपाट यहाँ पर रहा है राजनीति में, कैसे परास्त करेगा? देखो, जनता जनार्दन में बहुत ताकत होती है। यहाँ पर 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों को भारत की जनता ने नंगे पैर खदेड़ दिया, तो ये कौन सी खेत की मूली है। निश्चित तौर पर देवास की जनता अब मूड में आ गई है और ये यहाँ पर राजशाही का अंत होने वाला है। अंग्रेज पार्टी।